चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। गरी सुनु सब कथा सुनाई, यही प्रकार सुरसरी मही आई। तो कल तक हमने जाना था जिन चरणों से पवित्र परम पवित्र देवनिधि गंगा प्रकट हुई थी, जिन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया और चरण कमलों से, जिन चरणों कमलों को ब्रह्मा जी बोलते हैं, कृपालु हरि ने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार बार बार भगवान के चरणों में गिरकर जो मन को बहुत ही अच्छा लगा, उस वर को गौतम की स्त्री अहिल्या आनंद में भरी हुई पति लोग को चली गई। ये गौतम की स्त्री ही कह रही है अहिल्या। तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं कि नहीं? आप सभी लोग जो देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अपने परिवार मित्रगणों को भी कहिए सब्सक्राइब करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये अच्छे काज के लिए है। तो बन जाएगा तो मंदिर बन जाएगा तो अच्छा ही रहेगा। सब लोगों को, आप लोगों को भी दुआ मिलेगी, मुझे तो, मैं पढ़ रही हूँ तो मुझे भी मिलेगी। तो यही था, मैं इसका वीडियो बीच में डाल दूँगी। तो चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। गदी सुनु सब कथा सुनाई, यही प्रकार सुरसरी मही आई। श्री राम जी और लक्ष्मण जी मुनि के साथ चले, वे वहाँ गए जहाँ जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी थी। महाराज गांधी के पुत्र विश्वामित्र जी ने यह सब कथा कह सुनाई। जिस प्रकार देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आई थी, तब प्रभु ऋषि ने समेत नहाए, विविध तान मही देव नहीं पाए। हर्षि चले मुनि बिंद सहाया, बेगी विधे नगर नियर राया। तब प्रभु ने ऋषि सहित स्नान किया, ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान पाए। फिर मुनि वृंद के साथ वे प्रसन्न होकर चले और शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुंच गए। पूर्ण रम्यता राम जब देखी, हर्षे अनुज समेत विशेषी। बापी कुब सरित सरनाना, सलील सुधासम मणि सोपाना। श्री राम जी ने जब जनकपुर की शोभा देखी, तब वे छोटे भाई लक्ष्मण सहित अत्यंत हर्षित हुए। वहाँ अनेकों बावलियाँ, कुएँ, नदी और तालाब हैं, जिसमें अमृत के समान जल है और मणियों की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। गुंजत मंजू मत रस भृंगा, पूजत कल बहुबरन बिहंगा। बरन बरन बिकसे बन जाता, त्रिविध समीर सदा सुखदाता। मकरंद रस से मत वाले होकर भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। रंग बिरंगे पक्षी मधुर शब्द कर रहे हैं, रंग रंग के कमल खिले हैं। सदा सुख देने वाले शीतल मंद सुगंध पवन बह रहा है। सुमन वाटिका बांग वन विपुल विहंग निवास, फूलत फलत सुपल्लवत सोहतपुर चहुँ पास। ध्यान से सुनिए पाठ को, आपको अच्छे समझ में आएगा। मैं इसका अनुवाद भी कर रही हूँ साथ साथ। तो तुलसीदास जी कहते हैं, वहाँ पर पुष्प वाटिका बाग और वन, जिसमें बहुत सी पक्षियों का निवास है, फलते फूलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित हैं। कहीं मैं ये पार्ट ऐसे ही तो नहीं पढ़ रही हूँ, आप लोगों को समझ तो आ रहा है? प्लीज़ बताएं कमेंट बॉक्स में कि मैं इसको किस तरीके से और अच्छा कर सकती हूँ। बने न बरनत नगर निकाई, जहाँ जाई मन तह लुभाई। चारू बजारू विचित्र अंबारी, मणिमय विधि जनु स्वकर संबारी। नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता। मन जहाँ जाता है वहीं लुभा जाता है। सुंदर बाजार है, मणियों से बने हुए विचित्र छज्जे हैं, मानो ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथों से बनाया है।
धनिक बनिक बर धनत समाना, बैठे सकल वस्तु लय नाना, चौहट सुंदर गली सुहाई, संतत रहे सुगंध सिंचाई। कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार की अनेक वस्तुएं लेकर बैठे हैं, सुंदर चौराहे और सुहावनी गलियां तथा सुगंध से सिंची रहती हैं। मंगलमय मंदिर सब केरे चित्रित जनु रतिनाथ चिंतेरे, पुरनर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। सबके घर मंगलमय हैं और उन पर चित्र पढ़े हुए हैं, जिन्हें मानो कामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित किया है। नगर के स्त्री पुरुष सुंदर पवित्र साधु स्वभाव वाले धर्मात्मा ज्ञानी और गुणवान हैं। अति अनूप जनक निवास विद कहीं विबुध बिलोकी विलास, होत चकित चित कोट बिलोकी, सकल भवन शोभा जनु रोकी। वहाँ जनक जी का अत्यंत अनुपम निवास स्थान है। वहाँ के विलास को देखकर देवता भी चकित हो जाते हैं, मनुष्य की तो बात ही क्या, कोट को देखकर चित चकित हो जाता है। ऐसा मालूम होता है मानो उसने समस्त लोगों की शोभा को रोक रखा है। धवल धाम मणि पुरट पट सुघटित नाना भांति, सीए निवास सुंदर सदन शोभा किमी कही जाती। उज्जवल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीति से बने हुए मणि जटित सोने के जरी के पर्दे लगे हैं। सीता जी के रहने के सुंदर महल की शोभा का वर्णन किया ही कैसे जा सकता है। सुभग द्वार सब कुलिस कपाटा, भूप वीर नट मागध भाटा, बनी विशाल बाजी गजशाला, हाय गए रथ संकुल सब काला। राजमहल के सब दरवाजे सुंदर हैं, जिनमें वज्र के किवाड़ लगे हैं। वहाँ राजाओं नटों मागदों और भाटों की भीड़ लगी रहती है। घोड़ों और हाथियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी घोड़शालाएँ और गजशालाएँ बनी हुई हैं, जो सब समय घोड़े हाथी और रथों से भरी हुई रहती हैं। तो जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं कि ये मैं पार्ट एक मंदिर बनवाने के लिए कर रही हूँ, जो 60-70 साल पुराना मंदिर है, आपको मैं बार बार बता रही हूँ। और जो लोग पुराने हैं उन्हें तो पता ही है, तो उसका मैं अब वीडियो डाल देती हूँ। तो आप लोगों ने ये वीडियो देखा, उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ये मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, लाइक और शेयर भी करेंगे, और अपने परिवार और मित्रों को भी सब्सक्राइब लाइक और शेयर करने के लिए ज़रूर कहेंगे। सुर सचिव सेनप बहु तेरे, नृप ग्रह सरिस सदन सब केरे, पुर बाहेर सर सरित समीपा, उतरे जहत हैं विपुल महीपा। बहुत से शूरवीर मंत्री और सेनापति हैं, उन सबके घर भी राजमहल सरीचे ही हैं। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहाँ तहाँ बहुत से राजा लोग उतरे हुए हैं। देखी अनूप एक अबराई, सब सुपास सब भांति सुहाई, कौशिक कहेऊ मोर मनुमाना, ये रहिए रघुवीर सुजाना। आमों का एक अनुपम बाग देखकर जहाँ सब प्रकार के सुभीते थे और जो सब तरह से सुहावना था, विश्वामित्र जी ने कहा, हे सुजान रघुवीर, मेरा मन कहता है कि यहीं रहा जाए। भले ही नाथ कहीं कृपा निकेता, उतरे तहाँ मुनिवृंद समेता, विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी बहुत अच्छा स्वामिनी कहकर वहीं मुनियों के समूह के साथ ठहर गए।
मिथिलापति जनक जी ने जब ये समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र आए हैं, संग सचिव सुचि भूरी भट्ट गुसुरवर गुरु ज्ञाति चले मिलन मुनि नायक ही मुदित राव यही भांति। तब उन्होंने पवित्र हृदय से, हृदय के मंत्री, बहुत से योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण गुण गुरु और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों को साथ लिया और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी से मिलने के लिए गए। कीने प्रणामु चरण धरी माता दीने आशीष मोदित मुनि नाथा विप्र बिंद सब सादर बंदे जानी भाग्य बड़ राव आनंद। राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया, फिर सारी ब्राह्मण मंडली को आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा आनंदित हुए। कुशल प्रसन्न कही बारह ही बारह विश्वामित्र नृपही बैठारा ते ही अवसर आए दो भाई गए रहे देखन भुलवाई। बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बैठाया। उसी समय दोनों भाई आ पहुँचे जो भुलवाड़ी देखने गए थे। श्याम गौर मृदु वयस किशोरा लोचन सुखद विश्व चित चोरा उठे सकल जब रघुपति आए विश्वामित्र निकट बैठाए। सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौण वर्ण के दोनों कुमार नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व को चित्त को चुराने वाले हैं। जब रघुनाथ जी आए तब सभी उठकर खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बैठा लिया। भय सब सुखी देखी दो भ्राता बारी विलोचन पुलकित गाता मूर्ति मधुर मनोहर देखी भयहु विदेही विदेहु विशेष। दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए, सबके नेत्रों में जल भर आया और शरीर रोमांचित हो उठे। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर विदेह विशेष रूप से विदेह हो गए। प्रेम मगन मनु जानी निप करी विवेकु धरी धीर बोले वो मुनिपद नाई सिरु गदागद गिरा गभीर। मन को प्रेम में मगन जान राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर गदगद गंभीर वाणी से कहा। कहु नाथ सुंदर दो बालक मुनिकुल तिलक की नृप कुल पालक ब्रह्मा जो निगम नेति कही गावा उभय वेश धरी की सोई आवा। हे नाथ कहिए ये दोनों सुंदर बालक मुनिकुल के आभूषण है या किसी राजवंश के पालक अथवा जिनका वेदों में नेति कहकर गान किया है, कहीं वह ब्रह्मा तो युगल रूप धरकर नहीं आया है। सहज विराग रूप मनु मोरा तकित होत जिमि चंद चकोरा ताते प्रभु पूछऊ सति भाऊ कहु नाथ जानी करहु दुराऊ। मेरा मन जो स्वभाव से ही वैराग्य रूप है इन्हें देखकर इस तरह मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। हे प्रभु इसलिए मैं आपसे सत्य भाव से पूछता हूँ, हे नाथ बताइए छिपाव ना कीजिए। तो आज का पाठ यहीं पूर्ण करते हैं, कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में। ये रामचरितमानस के बालकांड का सातवां मास प्रारंभ चल रहा है, सातवां विश्राम है। और उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने चैनल मेरा सब्सक्राइब किया होगा, लाइक और शेयर भी किया होगा, जिससे मुझे मंदिर बनवाने के लिए हिम्मत मिले और कुछ यूट्यूब से मनी आएगी तो साहस मिलेगा मुझे और मैं उसे पूर्ण कर पाऊँगी। तो कल फिर मिलते हैं एक नए पार्ट में, बाल रामचरितमानस के बालकांड में।